श्वास की रेलवे पुलिया द्वारा ट्रेनों में वारदात करने वाले गिरोह को गत दिनों में पकड़ा गया था। बदमाश ट्रेन स्टेशन रवाना होने के कुछ देर पहले आउटर पर खड़े हो जाते और पटरियों पर लगे एक्सेल काउंटर में सिक्का फंसा कर ग्रीन सिग्नल को रीड कर देते थे, जिससे ट्रेन आउटर पर रुक जाती थी और बदमाश वारदात को अंजाम देकर भाग जाते थे। 25-26 जून के दरमियान रात मक्सी स्टेशन के पास भी इसी तरह बदमाशों ने दो ट्रेनों में लूटपाट को अंजाम दिया था। मामले में रेलवे पुलिस द्वारा 4 बदमाशों को पकड़ा गया। इसमें से 2 बदमाश को लेकर पुलिस टीम बुधवार शाम को घटनास्थल पर पहुंचे थे। टीम ने आरोपित दीपक कुमार महेंद्र निवासी पंजाबी कॉलोनी हरियाणा और राहुल पुत्र चाइना वाल्मीकि निवासी तिलक नगर से घटनास्थल पर सीन रिएक्शन करवा कर देखा। आरोपित राहुल ने जैसे ही 1 रुपए का सिक्का एक्सेल काउंटर के यहाँ रखा तो ग्रीन सिग्नल रेड हो गया। ये देख पुलिस के अफसर भी चकित रह गए। यही पर अफसरों ने काफी देर तक बदमाशों से पूछताछ की और उनसे मक्सी स्टेशन के पास की गई वारदातों को लेकर जानकारी दी। बदमाशों ने पूरा घटनाक्रम अफसरों को बताया। उन्होंने ट्रेन आउटर के पास आते ही सिग्नल रेड किया और ट्रेन में घुसकर यात्रियों का सामान लेकर ट्रेन से उतर गए और पटरी के पास से गुजरे कच्चे रास्ते से भागकर फोर लेन तक पहुंचे और फिर कार से फरार हो गए। जून के माह में मक्सी में ट्रेन सिग्नल को विघ्न डाल के उसको टेक्निकली फॉल्ट करके ट्रेन रुकी गई थी और 3 घटनाएं घटित हुई थी। उस घटना को इंदौर जोन के हमारे एडिशनल एसपी हैं, वहाँ का थोड़ा स्टाफ है, हम लोगों ने आसपास सर्च किया था और जो टोल नाका है उस पर एक गाड़ी हरियाणा क्रॉसिंग दिखी थी, वो गाड़ी सेम गाड़ी देवास स्टेशन पर देवास टोल पर भी दिखी थी और इन दोनों के मध्य करीबन 7-8 घंटे का गैप था उसको यहाँ से आने में। इस बात की शंका को उस गाड़ी को हम लोगों ने सर्च किया और फिर इसके फास्टैग के माध्यम से उस नंबर तक पहुँचे और ये गैंग हमको मिली है जिसके सूरत पुलिस के द्वारा उसको उठा के लाया गया था। उन्होंने घटना करना स्वीकार किया है और बताया है कि वे कैसे सिग्नल पर सिक्का रख करके उसको फॉल्ट करते थे और सिग्नल को लाल करते थे और घटना करते थे। हरियाणा के आरोपी हैं। कितने लोग अरेस्ट हैं? अभी 4 जी। मैम, इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो उसके लिए एहतियातन क्या सुधार है फिर? इसके लिए हमारी ओर से DRM रतलाम को हम पत्र लिखेंगे, जो कमियां हैं जो दिख रही हैं उनको बताएंगे कि इस तरह की कमियां हैं, इस कारण से होता है, तो वो उनकी ओर से जो भी सुरक्षा के मापदंडों के आधार पर वो अपनी कार्रवाई करेंगे। शाजापुर से दिलीप सुराज की रिपोर्ट।